हेलो फ्रेंड, मैं विकास, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉर एवर पर। दोस्तों, जुबिलेंट फूड वर्क्स, जी हाँ, शुरुआती सेशन में आज जो गुरुवार के शुरुआती सेशन में इस स्टॉक ने अच्छा खासा रन दिया था और स्टॉक ने हाई भी बनाया था लगभग 2984 का। उसके बाद जो है मार्केट पे काफ़ी प्रेशर आया, मे बी सेकेंड वेव ऑफ कोरोना का जो प्रॉब्लम आ रहा है उसके कारण मार्केट काफ़ी नीचे गिरा और उसी प्रेशर में जो है ये स्टॉक भी नीचे गिरा। मगर इसके आज भागने का लगभग 4% के ऊपर की इसने जो है बढ़त दिखाई थी शुरुआती सेशन में। उसका एक रीज़न था कि इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो क्या था वो एग्रीमेंट और इसके अंतर्गत क्या करने वाले हैं ये जुबिलेंट फूड वर्क, उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले बता दूँ कि ये जो जुबिलेंट फूड वर्क है, ये ऑपरेटर हैं डोमिनोज पिज्जा के एंड डंकिन्स डोनट्स के। जी हाँ, ये दो फ्रेंचाइजी इनकी इंडिया में चलती हैं। इसके बाद ये जो है एंटर हुए हैं एक एग्रीमेंट में। ये एग्रीमेंट है मास्टर फ्रेंचाइजीज एंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट, और जो कि किया है इन्होंने पीएल के एपैक पीटीई लिमिटेड के साथ। इनके साथ इन्होंने ये एग्रीमेंट किया है और ये जो है पीएल के एपैक पीटीई लिमिटेड, ये सब्सिडरी है किसकी, आरबीआई की, रिजर्व बैंक इंडिया की नहीं दोस्तों, ये है रेस्टोरेंट ब्रांड इंटरनेशनल आईएनसी। जी हाँ, इसकी सब्सिडरी है पीएल के एपैक पीटीई लिमिटेड, और इसके अंतर्गत जो जो रेस्टोरेंट्स आते हैं वो हैं पोपाइस रेस्टोरेंट्स। जी हाँ, पोपाइस रेस्टोरेंट्स की जो है यहाँ पर चैन अब इंडिया में लाने जा रहे हैं जुबिलेंट फूड वर्क्स। तो इस एग्रीमेंट के अंतर्गत इन्हें डेवलप करना होगा, स्टेबलाइज ऑन एंड ऑपरेट करना पड़ेगा जो है पोपाइस रेस्टोरेंट को इंडिया में। तो इसके पहले जब से ये पार्ट हुआ है रेस्टोरेंट ब्रांड इंटरनेशनल आईएनसी का, तो इसने जो अपनी प्रेजेंस काफ़ी कंट्रीज में दी है, ऑलरेडी जो है रेस्टोरेंट लगभग 3,400 ब्रांचेज हैं इस रेस्टोरेंट्स की, पोपाइस की, और लगभग 25 कंट्रियों में सर्व करता है। इसके बाद जब इसने एक्विजिशन किया गया, इसका एक्विजिशन रेस्टोरेंट्स ब्रांड इंटरनेशनल आईएनसी ने, तो इसकी पहुंच हो गई स्पेन, स्विट्जरलैंड, चाइना, ब्राजील, श्रीलंका और फिलीपींस देशों में, और अब जो है जुबिलेंट फूड वर्क के साथ ये जो है इंडिया में अपनी प्रेजेंस करने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत जो है एक अच्छी न्यूज़ थी जुबिलेंट फूड वर्क्स के लिए, जिसके कारण ये काफ़ी आगे गया और बहुत सी जो है ब्रोकरेज फर्म्स ने भी इस पे जो है बाय पोजीशन के लिए कहा है। अगर आपको बताऊं एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जो कि इस शेयर में देखने लायक है, वो है एफआईआईस की होल्डिंग। अगर एफआईआईस की होल्डिंग हम देखें तो मार्च 2020 में इनकी होल्डिंग थी 30.94%, वही बढ़कर जून 2020 में हो गई थी 36.19% की। उसके बाद अगर सितंबर के आंकड़े देखें तो सितंबर में ये हो गए थे 37.86% एफआईआई की, और अभी लेटेस्ट दिसंबर तक एफआईआई इसकी जो है टोटल होल्डिंग इसमें हो गई है 39.43। तो एक कंटिन्यू राइजिंग जो है पैटर्न देखने मिला है एफआईआई इसकी होल्डिंग का इस शेयर में। और डेफिनेटली जब ये अपने जो है नया जो पोपाइस का मेन जो है वो चिकन्स की जो है रेसिपी बनाने में है, तो अब इनका जो मेन कॉम्पिटिटर रहेगा वो केएफसी के साथ इनका कॉम्पिटिशन चलेगा, तो ये चीज़ देखने लायक होगी। और डेफिनेटली इसको जो इसके कारण जो इनकी सेल्स में भी बूस्ट देखने को मिलेगा। तो ये था जो नया एग्रीमेंट और जुबिलेंट फूड वर्क्स के रिगार्डिंग जो कि अपडेट या न्यूज़ आई थी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।